हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपर स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेल, अगर देखा जाए यहाँ पे तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं जहाँ पे काफ़ी बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये जो बुरा लगने वाला फील है ना, ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 से कोविड-19 के जो केसेस थे वो बढ़ना शुरू हो गए थे, और प्रेजेंट टाइम 2020 में अगर हम लोग देखें कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और उसके ऊपर से अब विजैक यानी कि विशाखापट्टनम के अंदर एक गैस लीक हुई है। गैस लीक का केस ये पहली बार नहीं हुआ, भोपाल गैस वाली जो ट्रेजिडी हुई थी वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक और गैस लीक का केस देखने को मिल रहा है, तो इस पूरी न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन में। लेकिन उससे पहले ज़रा आज आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, कहाँ पर 7 बजे आपको जुड़ना है, चैनल का नाम ऊपर बस यहाँ लिखा हुआ है, एक बार से ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा। आप देखो ज़रा बात करते हैं पहले इस न्यूज़ के बारे में, उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कौन से क्लासेस हैं, वो सारी बातें बाद में। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम तक अगर देखा जाए तो ये विशाखापट्टनम के अंदर जो गैस लीक हुई है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5, लेकिन ये नंबर अब एक्सीड करके क्रॉस कर चुका है, 10 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, हर दिन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि विशाखापट्टनम के कोस्ट पे आज ये वाली एक्सरसाइज हुई, कल वो वाली एक्सरसाइज हुई, टाइगर ट्राइम्फ एक्सरसाइज है, स्लाइनिक्स एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, है ना। तो विशाखापट्टनम में आपको एक प्लांट देखने को मिलता है, वहां से गैस लीक हो गई है, और वो गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस है। आप ये समझ लो कि जिस जगह पे ये सेंटर बना हुआ था, यानी कि जिस जगह पे ये प्लांट था, उसके आसपास के 3 किलोमीटर तक का जो एरिया है पूरा खाली करा लिया गया है। क्योंकि इससे पता है क्या हो रहा है, जब ये गैस लीक हुई है उसके बाद लोगों को हेडेक होना शुरू हो गया, उनको वॉमिट होना शुरू हो गया, तो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। तो ये जो नंबर है ये 10 पे पहुंच चुका है, मरने वालों की जो संख्या है वो 10 हो चुकी है। देखो 10 का तो ये फिगर है जो न्यूज़ वाले अभी दिखा रहे हैं, बट आपको भी पता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ फिगर्स होता है वो कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखाते हैं, वो ज़्यादा ही होता है लेकिन उसको कम करके ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि भैया ये हुआ कैसे, क्या रीज़न है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो गैस लीक हुई है ये सुबह के टाइम हुई है, अप्रॉक्स 2:30 बजे के आसपास ये गैस लीक हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट है विशाखापट्टनम, वहाँ पे गैस लीक हुई। आंध्र प्रदेश के केस में आपको हमेशा याद रखना है रेड्डी जी का नाम, जगमोहन रेड्डी जी का नाम, जो कि यहाँ के सीएम है। अब देखो ये जो प्लांट था ये किस जगह पे था, तो वेंकटापुरम नाम की जो जगह है वहाँ पर ये प्लांट था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इस गैस की वजह से क्या हो रहा है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, वॉमिट हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि क्या सिर्फ इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो गैस लीक हुई है, कौन सी गैस है अभी बताते हैं इसके बारे में, जो गैस लीक हुई है ये किडनी को भी डैमेज कर सकती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उसको भी इंक्रीज कर सकती है, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। मतलब आप समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हमारी जो बॉडी है ना वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो सकती है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये सब चीज़ें तो हो गई, अब इसका रीज़न क्या है, ये गैस लीक हुई कैसे। तो यहाँ पे जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि भैया जो लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन की वजह से जितनी भी कंपनीज या जितने भी प्लांट्स वगैरह थे सारे के सारे बंद थे। जब सारे बंद थे तो वहाँ पे काम करने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, और जब कोई काम करने के लिए नहीं जाएगा तो वहाँ पे लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो प्लांट था यहाँ पे सारी चीज़ें सही से हैं या फिर नहीं है। तो रीज़न ये दिया गया कि वहाँ पे गैस का जो था वो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, जो उसकी वॉल थी, वॉल होती है ना, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, तो वो जो वॉल थी वो क्रैक हुई, और वॉल के क्रैक होने की वजह से वहाँ से इसका लीकेज हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि लीकेज के लिए रीज़न क्या दिया गया है। अब देखो दी एलपीजी पॉलीमर, ये जो कंपनी है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस कंपनी को टेक ओवर किया गया था कौन, कहाँ की कंट्री के द्वारा, साउथ कोरिया ने इसको टेक ओवर किया था, कौन सी ईयर में, 1997 में, और इसका नाम क्या कर दिया गया बाद में, एलजी पॉलीमर इसका नाम रखा गया। अब आप सोचेंगे कि ये बताइए मैम कि ये जो गैस है ये क्या किसी और चीज़ में यूज़ करी जाती है, इसका यूज़ क्या है, या फिर आपने इसका इफेक्ट तो बता दिया कि इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी स्किन को भी ये इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है हमारी स्किन को इफेक्ट नहीं करेगी, स्किन को भी इफेक्ट करती है। अब इसका यूज़ किस में होता है, तो आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि ये जो यहाँ पे गैस है इसका नाम क्या है, पहले तो नाम जान लो, इसका नाम है स्टायरिनी, ठीक है।
स्टायरीन नाम की जो गैस है ये एक तरीके का बेंजीन से ही बना हुआ है। हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं ना क्लास 12th में, क्लास 11th में आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये बेंजीन का ही एक फॉर्म है। कलरलेस गैस होती है, फ्लेमेबल होती है, और इसके साथ में जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आती है ना तो ये येल्लो कलर की भी देखने को मिलती है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के प्रोडक्शन में, जो प्लास्टिक्स होती है ना, काफ़ी हाई लेवल की प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ करते हैं। रबर वगैरह के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, लैटेक्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह पे इसका आपको यूसेज देखने को मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, जब ये इवेपोरेट होती है ना, जब ये जो गैस है जब इसका इवेपोरेशन होता है तो बहुत तेज़ी से ये इवेपोरेट होती है। ऑब्वियसली बात है कि गैस है तो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। तो ये गैस का नाम याद रखना, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन सी वाली गैस थी, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखना, और हाँ सेशन को ज़रा लाइक और शेयर कर देना। ये कहना हम भूल जाते हैं और आप लोग ये काम करते नहीं। अब देखिए स्टायरीनी गैस, मैंने क्या बताया, ये आपको फ्लेमेबल है सबसे पहली चीज़। इसका इस्तेमाल किस में होता है, प्लास्टिक्स को बनाने में, फाइबर ग्लास को बनाने में, रबर और लेटेक्स इनके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें इसका यूज़ किया जाता है, अगर हम सिगरेट वगैरह भी देखें ना तो उसमें भी इसका यूसेज आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, देखो साइंस से क्वेश्चन तो बनते हैं, तो सवाल पूछा जा सकता है कि जो गैस होती है ये कौन से कलर की होती है, तो एक्चुअल में ये गैस कलरलेस होती है, ये पॉइंट याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये गैस लीक हुई है तो ये कलरलेस है, लेकिन बाद में जब आप इसको देखोगे ये एयर के कॉन्टैक्ट में आई है उसके बाद इसका कलर येल्लो देखने को मिला, ठीक है। इनकेस अगर सपोज करो सवाल थोड़ा सा और ज्यादा टफ बनाया गया तो इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, मैंने बेंजीन पहले ही बोल दिया था ना, तो C6H5CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आ ही रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यू कांट से एग्जाम में फॉर्मूला पूछा भी जा सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नजर आ ही रहा है कि आपको ये सिगरेट स्मोक वगैरह जो होती है उसमें भी आपको ये गैस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी हो गई है तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला हुआ है कि पुणे के अंदर CBRN नाम की जो टीम है, जो यहाँ पे केमिकल्स या जो यहाँ पे अगर कोई गैस वगैरह लीक होती है ना तो उसके लिए यही टीम होती है जो काम करती है, इस टीम को बोल दिया गया है और इन्होंने अब कंडीशन जो है वहाँ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने का काम भी शुरू कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है हमारी बॉडी में, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इरिटेशन होगा आँखों में बहुत जलन होगी, इसके अलावा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो जो नर्वस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से इफेक्ट कर सकती है, स्पेशली जो मैंने अभी आपको बोला ना कि किडनी को इफेक्ट करती है। अब COVID-19 एक तो दूसरी तरफ आफत मचाए हुए, अब दूसरी तरफ अगर देखो तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, आंध्रा विशाखापट्टनम कोस्ट पे ज़रूर है लेकिन आपको ये भी पता है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल तो यहाँ पे जो रीज़न दिए जा रहे हैं वो रीज़न यही दिया गया है कि जो गैस वॉल था वो बस्ट हो गया, बस्ट होने की वजह से वहाँ पे गैस लीक हुई है, इसके अलावा भी और भी कोई रीज़न यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो इसमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में अगर देखा जाए तो इससे कैंसर भी क्रिएट हो सकता है, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। अब इसके अलावा देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे NDMA की जो टीम है उसकी बैठक भी बुलाई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर कभी भी कुछ भी डिजास्टर होता है तो उस टाइम पे आपको ये अथॉरिटी देखने को मिलेगी। इसको इस्टैब्लिश कब किया गया था, 2005 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था, तो इनकी मीटिंग भी हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुलाई गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पुणे की टीम है उनको भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर देखी जाए तो हो रही हैं, और इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं इफेक्ट हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखो तो COVID-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो 2020 इतना बुरा साल हो गया है कि अब इसके बारे में क्या कहा जाए। फिलहाल तो ये था आप लोगों के लिए एक सेशन जिसमें जितनी भी चीज़ें थी विजैक से जुड़ी हुई मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब इसके अलावा आपको जुड़ना होता है सुबह लाइव क्लास में, कितने बजे, 7 बजे, चैनल का नाम क्या है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। सुबह 5 बजे आपके लिए क्विज का सेशन आता है, और अब फ्रॉम मंडे 5:30 बजे आपके लिए एक शॉट मैपिंग का भी क्लास शुरू होने वाला है। इसके अलावा बस 7 बजे लाइव क्लास में आना मत भूला करो, क्योंकि वो सेशन लाइव होता है तो आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती है ना तुरंत रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो GS के लिए मेरा एक नया बैच 15 मई से शुरू होने जा रहा है, तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको GS पढ़नी है
वो मेरे साथ अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। ये होगा पूरा प्रोसेस, जिसमें आपको कोड क्या यूज़ करना होगा, कोड विल बी कृति 10। इस कोड का यूज़ करके आप मेरे साथ GS के इस बैच में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको GS हम पढ़ाएंगे, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे अन अकेडमी के किसी भी एजुकेटर के। तो इसको अवेल करना मत भूलना। और यहाँ पे कौन से वाले गोल में, क्योंकि गोल भी एक सेलेक्ट करना होगा, तो गोल में SSC सेलेक्ट करना। लेकिन ये जो बैच है ना, ये रेलवे से लेके स्टेट लेवल एग्जाम तक को कवर करने वाला है, इवन ये लेखपाल को भी कवर करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट होगी। अब आपको करना क्या है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अब आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।